देखो एक मूवी आई थी तुम्बर, जो कि एक मराठी मूवी थी जिसने पूरी तरह से इंडियन सिनेमा को बदल के रख दिया था, जबरदस्त हॉरर एंड फैंटेसी सिनेमा। अब एक और मूवी उसी मराठी कल्चर से निकल के आई है, तो क्या ये फिर से तुम्बर वाला मैजिक क्रिएट करने में कामयाब हो पाएगी या फिर से पब्लिक का दिल बॉलीवुड के वजह से टूटने वाला है। बात हो रही है मुंजिया की, जो कि एक इंडियन हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से बिलोंग करती है, जिसका स्टोरी इंस्पायर है इंडियन लोक कथाओं से जो कि इंडियन कल्चर को दर्शाती है और इस पे लोग अटूट विश्वास करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि ये हॉरर कॉमेडी मूवी कितनी ही ज्यादा हॉरर है और क्या ये स्त्री यूनिवर्स से कनेक्टेड है भी या नहीं, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस तो यही समझने आई है। तो इसी कल्चर और कॉन्सेप्ट को अपनाती है ये मूवी मुंजिया। ये कहानी एक ऐसे लौंडे की है जो अपनी जवानी में अपनी से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करना चाहता है, बट ऑब्वियसली वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा बड़ी है। मगर अपना हीरो मुंजिया था प्यार में पागल। उसने अपनी मुन्नी को पाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया, उसका सहारा लिया और अपने गांव के शापित पेड़ के पास जाके नरबलि तक देने की चेष्टा की, जहां भाई जाने अनजाने में उसकी ही मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मुंजिया जो मेथड या फिर रिचुअल्स जो वो फॉलो कर रहा था उस शापित पेड़ के पास जाके वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, और उस रिचुअल्स का टर्म एंड कंडीशन ये था कि इस रिचुअल को पूरा करने के बाद आप 10 दिन तक आप मर नहीं सकते, अगर आप मर गए तो आप एक राक्षस में तब्दील हो जाओगे, मतलब एक ब्रह्म राक्षस में बदल जाओगे। उसके बाद उसके श्राप को कंट्रोल करने के लिए, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए गांव के लोगों ने उस शापित पेड़ में उसको टांग डाला, जो कि सालों से उनके गांव में प्रथा चलती आ रही कि जो कोई भी ऐसा नरबली टाइप का चेष्टा करेगा या फिर ये रिचुअल्स को अपनाएगा और अगर ये रिचुअल्स में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उस बंदे को ऐसे ही पेड़ में लटका देंगे, और फिर कभी कभी वो ब्रह्म राक्षस यानी कि मुंजिया अपने ब्लड लाइन के लोगों को वो परेशान करता है, स्पेशली मेल वाले कैरेक्टर्स को। और सालों बीत जाते है मुंजिया को उस पेड़ से लटके हुए, और फिर किस्मत का खेल ऐसा आता है कि कुछ सालों के बाद मुंजिया की बहन का पोता कुछ सालों के पास उस गांव पे लौट आता है, और फिर वो कैसे ना कैसे करके उस शापित पेड़ के पास जाता है और उससे टच हो जाता है, और फिर मुंजिया यानी कि ब्रह्म राक्षस उस बंदे के पीठ पे अपना छाप छोड़ देता है और वो फ्री हो जाता है बाहर के वर्ल्ड को एंजॉय करने के लिए, मतलब हम सबको डराने के लिए। और फिर उस पेड़ से और उस गांव से आजाद होने के बाद उसका बस एक ही लक्ष्य होता है कि वो कैसे ना कैसे करके मुन्नी से शादी करे, और वो आगे जाके कैसे उसका माइंड चेंज होता है, कैसे उसके बिहेवियर चेंज होते हैं, उसके लिए तो अब भाई आपको मूवी देखनी पड़ेगी। पर सवाल ये उठता है कि क्या हम उस स्टोरी को एंजॉय करते हैं, उस कॉमेडी को एंजॉय करते हैं, उस जर्नी को एंजॉय करते हैं या नहीं। तो भाई आंसर है हाँ भाई, आप मजाक करोगे। अब देखो भाई मूवी ऐसी नहीं है कि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को वो खराब कर दे, मूवी बहुत ही ज्यादा फनी है, लेकिन उसके जो हॉरर एलिमेंट्स है वो थोड़े कम दिखाए गए हैं। मतलब जिस लेवल पे मुंजिया को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिस लेवल पे उसका स्टोरी को बिल्ड किया जाता है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये मूवी का जो डायरेक्टर है उन्होंने बस इस मूवी के कैरेक्टर के ऊपर, उस मूवी के कैरेक्टर के स्टोरी लाइन के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है, और हॉरर शायद उनके लिस्ट में आखिर में आता है। पर भाई ऐसा नहीं है कि आपको डरने लगेगा, कुछ कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जो कि आपको गूज़बम्प्स से भर देंगे, लेकिन वो जो हॉरर कॉमेडी का जो एलिमेंट होता है जिसके लिए ये यूनिवर्स फेमस है अपने हॉरर के लिए अपने कॉमेडी के लिए, उन दोनों को मिलाकर ये मूवी चल नहीं पाती है। हॉरर कॉमेडी का मिक्सचर थोड़ा ऊपर नीचे है, पर इसके जो कॉमेडी सीन्स हैं, जो कॉमेडी टाइमिंग है, जो कॉमेडी डायलॉग्स हैं, वो भाई पूरा ओपी है, उसमें भाई कोई डाउट ही नहीं है। आपको कॉमेडी के मामले में, कॉमेडी सीन के मामले में, कॉमिक टाइम के मामले में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पर हॉरर के एलिमेंट्स में थोड़ा बहुत तो कमी है भाई, डायरेक्टर ने डाला है। पर यार सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मूवी स्त्री यूनिवर्स से कनेक्ट करती है, क्या ये मूवी स्त्री और भेड़िया मूवी को कनेक्ट करती है या नहीं, ये तीनों मूवी आपस में कनेक्टेड है भी या नहीं। तो भाई इस सवाल का जवाब है हाँ गाइस, ये तीनों के तीनों कनेक्टेड हैं, वो भी पूरा डीपली। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में और मूवी के कुछ सीन्स में आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये तीनों मूवी आपस में कनेक्टेड हैं। पर उसके लिए भाई आपको मूवी देखना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेटेजी लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये नॉर्मल ऑडियंस के लिए, नॉर्मल दिमाग के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यार मेरा मशवरा है कि मुंजिया मूवी को देखने के पहले आपको स्त्री मूवी देखना पड़ेगा, भेड़िया मूवी देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा इन तीनों के अंदर का कनेक्शन। और रही बात इस मूवी के VFX और CGI के बारे में, CGI मेरे को टॉप क्लास तो नहीं लगी, थोड़ा एवरेज लगी। बाकी भाई आप लोग बताओ, आप लोग को VFX और CGI कैसा लगा, इस मूवी में हॉरर और कॉमेडी का वो मिक्सचर, वो एलिमेंट आपको कितना ज्यादा असरदार हुआ, वो सब कुछ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो। तो यार मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ EV Explain में।